समाजवाद की साइकिल की रफ्तार बढ़ाने के बहाने अमर सिंह अपनी विदेशी कार के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। पिछले 14 साल में मुलायम सिंह यादव के इस पूंजीवादी सेवक ने पार्टी का रंग और रौनक दोनों बदल दिए। रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा है ये शख्स, जिसे धूप में देखो तो छांव जैसा है। समाजवादी बाहर और फिल्मी कलाकार और उद्योगपति का दबदबा हो गया। सत्ता से बाहर होने के बाद अमर सिंह के विरोधी एकजुट हो गए और जय और वीरू, सॉरी मुलायम और अमर सिंह की दोस्ती टूट गई। नमस्कार। फिनिक्स की कहानी आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, जानी होगी। फिनिक्स वो पक्षी होता है जिसे जब भी खत्म करने की कोशिश की जाती है वो दोबारा दुगनी ताकत से खड़ा होता है। फिनिक्स अजर है, अमर है, और मेरे साथ हैं इस समय अमर सिंह जी। अमर सिंह जी, आपका स्वागत है चक्रव्यूह में। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। मैं सत्य के साथ रहता हूँ इसलिए परेशान होता हूँ, पराजित नहीं होता हूँ। ये जो एक फ़ोटो लगी हुई थी अभी आपके रूम में, बहुत अच्छी फ़ोटो है। एक तरफ मुलायम सिंह जी हैं, एक तरफ अमर सिंह जी हैं, उसके बीच में दो तलवारें लगी हुई हैं। पहले मुझे कहा जाता था कि अमर सिंह जी की ये तलवारें मुलायम सिंह जी के लिए हैं। कहीं ये तलवारें आज आमने सामने तो नहीं हैं? बिल्कुल नहीं, मेरी तरफ से नहीं है। मेरे उन्होंने हरदम वही किया है जो मैंने चाहा है। मैंने जीवन मृत्यु का संघर्ष अपने गुर्दे प्रत्यारोपण की सर्जरी के बाद जो हुआ है मेरे जीवन में, उसके बाद मैंने आराम चाहा है। मैंने चाहा है कि मैं अपने परिवार, पत्नी और बच्चों के बीच में जाऊं, उनके साथ रहूं। कुछ लोग कहते हैं कि अमर सिंह जी और मुलायम सिंह जी का रिश्ता राम और हनुमान जैसा है। कुछ लोग कहते हैं मुझे कि नहीं, वो जय और वीरू की तरह से हैं, दो दोस्त जिनकी दोस्ती कभी नहीं टूटती। देखिए, मुलायम सिंह जी हमसे बड़े हैं, बहुत बड़े। उनके जीवन में मैं आया, उसके पहले वो दो बार मुख्यमंत्री हो चुके थे। न तो राजनीति में उनकी निर्मिति मैंने की है, न तो समाज में मैंने उनकी निर्मिति की है, बल्कि मेरी निर्मिति में उनका एक योगदान रहा है कि उन्होंने मुझे मंच दिया है। जिस तरह से ख्वाजा अहमद अब्बास ने सात हिंदुस्तानी में सात कलाकारों को पैदा किया था, लेकिन उनमें से छह कलाकार गुमनामी के अंधेरों में गुम है और एक अमिताभ बच्चन का नाम विश्व में है। तो उसी तरह से मुलायम सिंह जी ने भी बहुत राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अवसर दिए हैं, सच में दिए हैं, मौका दिया है, सब मौका दिया है, सब अपनी टैलेंट के साथ। लेकिन मैंने कुछ जगह बनाई है उनके दिल में उनके, और 14 वर्षों तक मुझे उनके साथ निरंतर नज़दीक काम करने का अवसर मिला, ये कम बात नहीं। और इसके बाद अब 14 वर्ष बाद उन्होंने मुझे आज़ाद किया है। इस आज़ादी के लिए मैं किन शब्दों में उनका धन्यवाद करूं मुझे पता नहीं लगता। आज़ाद करना मुझे नहीं समझ में आया, इस्तीफा तो आपने दिया था। नहीं, इस्तीफा मैंने पहले भी दो बार दिया था, लेकिन उन्होंने फाड़ के फेंक दिया था। इस बार हमारे फैक्स दिए इस्तीफे को, उन्होंने फैक्स स्वीकृत करके मुझे आज़ादी तो दी, जो मैंने चाहा वो मुझे दिया। क्या आप मुलायम सिंह जी को लगता है कि अमर सिंह की ज़रूरत नहीं, इसलिए फैक्स के इस्तीफे को फैक्स में स्वीकार कर लिया? नहीं नहीं, ये कोई बात ही नहीं है। ये पूरे प्रकरण को ये निर्विवाद रहता है। और मान लीजिए उन्हीं के जो चिकित्सक हैं डॉक्टर केतन देसाई, जो उनके सफाई का अस्पताल चलाते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे कहा आप आराम लो और राजनीति छोड़ो। लेकिन इसका राजनीतिकरण उनके ही परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य के कठोर बयानबाजी की वजह से हो गया, वो अनावश्यक हुआ। पार्टी में परिवार में उनसे भी वरिष्ठ सदस्य हैं? उनसे वरिष्ठ सदस्य नहीं है, लेकिन पार्टी में मुलायम सिंह जी हैं और रामगोपाल यादव जी हैं, शिवपाल यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, धर्मेंद्र यादव जी हैं, ये पूरा का पूरा परिवार ही पार्टी हाईकमान है।